और इसी बीच विदिशा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर ने यहां मासूम की जान ले ली। सही इलाज नहीं होने की वजह से 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। शिकायत करने पर डॉक्टर ने बच्चे के पिता को धमकी दी। वहीं 20,000 रुपए देकर शिकायत न करने का दबाव भी पिता पर बनाया गया। मीडिया कर्मियों से भी मारपीट की और 3 पत्रकार इस दौरान घायल हो गए। बीएमओ ने डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया है। सिरोंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है और यहाँ एक झोलाछाप डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया और बच्चे का इलाज जब किया गया तो उस दौरान उसकी मौत हो गई।